इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस x को प्लस 2 tan इनवर्स x, ये fx की वैल्यू है। और हमसे पूछा है cos ऑफ f ऑफ 10, तो बेसिकली मेरा मकसद है सबसे पहला काम f ऑफ 10 निकालना। ठीक, अब दोस्तों मुझे पता है जो f ऑफ 10 की बात कर रहे हैं, अब sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर की डेफिनेशन मुझे याद है, ये जो 10 है ये 1 से बड़ा है ना, क्योंकि इसकी जो डेफिनेशन होती है माइनस वन से वन में अलग होती है, वन से बड़ा है तो अलग है, माइनस वन से छोटा तो अलग है। हम जानते हैं इसकी वैल्यू इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, तो हमने क्या कहा था, एक्स अगर वन या वन से बड़ा है तो माइनस टू टेन इनवर्स एक्स के अंदर में पाई ऐड किया था, याद है कि नहीं याद है। तो एज अ रिजल्ट देयर फोर एफ एक्स की वैल्यू आ गई माइनस टाइम्स टू टेन इनवर्स एक्स प्लस पाई प्लस का 2 tan inverse x if x is greater than or equal to 1, तो as a result ये और ये cancel out हुआ, तो fx की value पाई आ गई, fx की value पाई आ गई अगर x 1 या 1 से बड़ा है। और मैं f of 10 की value भी बोल सकता हूँ पाई है, f of 10 की value भी कितनी आ गई, पाई आ गई। तो यानी therefore cos of pi की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस वन, दैट्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन। कहने का भावार्थ या मतलब हुआ, क्योंकि ये ब्रांच याद थी मुझे तो हमने डायरेक्टली आंसर निकाल लिया, अगर ब्रांच याद ना होती तो इसको सिंप्लीफाई करने में समय लग जाता एटलीस्ट 1 से 1.5 मिनट, और अभी हमें ये कर पा रहे कुछ सेकेंड्स के अंदर, करेक्ट है। तो एफ ऑफ 10 छोड़ो, एफ ऑफ 100 भी आ जाता तब भी हमें कोई परेशानी नहीं थी। क्लियर टू ऑल? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसी तरह आप ध्यान से देखें, ये वैल्यू अगर x 1 माइनस 1 या 1 माइनस 1 से छोटा है, तो हम जानते हैं साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इफ x इज लेस देन इक्वल टू माइनस 1, तो हम क्या कह रहे हैं इसकी वैल्यू क्या है, माइनस 2 टैन इनवर्स x के अंदर में से पाई घटाना है, तो देयरफॉर जो fx है उसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस 2 टैन इनवर्स x माइनस का पाई प्लस का 2 टैन इनवर्स x इफ x is less than or equal to minus 1, तो ये और ये cancel हो जाएगी value, यानी ये value क्या आ जाएगी, केवल और केवल minus का pi। अब कुछ भी question इसके ऊपर पूछा जा सकता है, clear? तो ठीक है, ये सारे graphs खत्म हुए। अब इन graphs की definition को use करते हुए और properties जो हमने पढ़ी हैं उनको use करते हुए अब हम जो नया topic शुरू करने लग रहे हैं, जिसके अंदर में theoretically कुछ नई चीजें पढ़नी है, हमने केवल और केवल questions पे बात करनी है सीधा सीधा। तो ये रहा इक्वेशंस इन्वॉल्विंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यानी ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इस्तेमाल है, तो ये वैसी बात है, लॉगरिथमिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, जितनी भी इक्वेशन होती है एक, अब इसके अंदर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है तो इन्वॉल्विंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो जाएगा। तो आप ध्यान रहे इन सारे क्वेश्चंस में आपको सॉल्व करने के बाद आपको वेरीफाई द सॉल्यूशन इन द एंड, ये जरूर करना है कि जो भी आपका आंसर आया लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो वो एक्स्ट्रा सॉल्यूशन है, वो आपको हटाना पड़ेगा फ्रॉम द ओरिजिनल क्वेश्चन को देखते हुए। और एक ध्यान रहे हमेशा इनके अंदर में ध्यान रहे कि कब आपका फंक्शन डिफाइंड है, किस एक्स के लिए डिफाइंड है। जैसे कि सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं ये ध्यान रखूंगा इसकी डोमेन यानी कहां कहां पर ये फंक्शन डिफाइंड है, तो डोमेन की बात करूंगा। तो ध्यान से देखो, साफ पता लग रहा है cos x इनवर्स x है तो मॉडुलस x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आना चाहिए, मतलब अगर मेरा जो आंसर है x की वैल्यू इस रेंज से बाहर आ रहा है तो वैसे ही नेगलेक्ट हो जाएगा, मुझे उसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, तो वो वेरीफाइड हो गया, ठीक है ना। तो अब इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है, क्या थॉट है इसका मेथड क्या है, थॉट क्या है, अब ध्यान से देखें। cot inverse 2 लिखा और cos inverse 4/5 लिखा, मैंने सबसे पहली चीज बता रखी है कोई भी inverse function दे रखा हो, किसी में भी inverse function दे रखा हो उसे change कर दे tan inverse के अंदर में, ठीक है ना, using the triangle। अब cot inverse 2 को tan inverse half लिखा जा सकता है क्योंकि 2 positive है, यानी cot inverse x tan inverse 1 over x है अगर x positive है, तो यानी ये लिखा है 2 tan inverse of 1/2 minus cos inverse of 4/5 is equal to cosec inverse of x,
एक्स ये लिखा है। ठीक, अब क्या करें इस क्वेश्चन में दोस्तों? इसकी तो कोई टेंशन नहीं है, ये हमें पता है, ट्राइंगल लगा लेंगे, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, ये 4 है, ये 5 है, तो ये 3 है। तो बेसिकली इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ टैन इनवर्स ऑफ 3/4। अब ये 2 टैन इनवर्स है। अब इसमें दो थॉट है, पहली थॉट, फर्स्ट वे है, आप क्या करें, इसे लिखें टैन इनवर्स हाफ प्लस टैन इनवर्स हाफ प्लस टैन इनवर्स ऑफ 3/4 और इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स में। पहले मान लो इन दोनों को पकड़ा, जो आएगा फिर इसके साथ में प्रॉपर्टी नंबर 5 का रिजल्ट नंबर ए लगा देंगे हम, तो आंसर आ जाएगा यानी टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई, तो हम कंडीशन लगा देंगे। लेकिन अ बिट लॉन्ग मेथड, ये लॉन्ग मेथड है, ठीक है ना, या लॉन्ग वे है। तो व्हाट इज द सेकंड वे? सेकंड वे क्या है? थोड़ा सा आसान है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक, कैसे अप्रोच करना है? जो अभी अभी हमने पढ़ी बातें, अब हमने बेसिकली टैन इनवर्स के अंदर में चेंज करना है। बेसिकली हमारी थॉट क्या आ रही है, टू टैन इनवर्स ऑफ समथिंग को हमने टैन इनवर्स ऑफ समथिंग में चेंज करना है। ठीक, तो बेसिकली दोस्तों हम सीधा सीधा इस रिजल्ट नंबर 3 पे जाएंगे जो हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। क्या? टू टैन इनवर्स ऑफ समथिंग को हम टैन इनवर्स ऑफ समथिंग में चेंज करना है। लेकिन अब हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो वैल्यू है टू टैन इनवर्स ऑफ हाफ है, टू टैन इनवर्स ऑफ हाफ है यहाँ पर। अब जो हाफ है वो -1 से लेकर के 1 के बीच में लाई कर रहा है, यस इट बिलोंग्स टू। तो इसका मतलब जो रिजल्ट नंबर 3 है इसकी ब्रांच अगर मैं यूज करना चाहूँ, ये वाली यूज कर सकूंगा मैं। ध्यान से देखें दोस्तों, ये वाली मैं यूज कर पाऊंगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि x माइनस 1 से 1 के बीच में, तो 2 tan इनवर्स x की वैल्यू tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस का x स्क्वायर हो जाएगी। tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस का x स्क्वायर लिख सकता हूं, यानी 2 tan इनवर्स ऑफ हाफ को मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स ऑफ 2x होल अपॉन 1 माइनस का 1/2 का स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है, है ना। 2 tan इनवर्स ऑफ x इज tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस का x स्क्वायर लिख दिया हमने, ये रहा। यानी ये वैल्यू क्या बन गई, ये बनी tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन, अभी कितना आएगा, 1 माइनस 1/4 इज 3/4, यानी ये बन गया tan इनवर्स ऑफ 4/3। यहां तक बात समझ आ गई, यानी इतने पोर्शन की वैल्यू tan इनवर्स ऑफ 4/3 आ गई। अब ये वाला ऑलरेडी tan इनवर्स 3/4 है, तो हम क्या करें आगे? आप ध्यान से देखें, tan इनवर्स ऑफ 4/3 में से tan इनवर्स ऑफ 3/4 घटाया तो वो cosec इनवर्स x के को लिखा। अब ये क्वेश्चन बन गया आपका। अब ये tan इनवर्स x माइनस का tan इनवर्स y प्रॉपर्टी नंबर 5 का सेकंड पार्ट बी रिजल्ट यूज हो जाएगा। यहां पर x और y दोनों के दोनों पॉजिटिव है और कोई रिस्ट्रिक्शन होती नहीं है, यही कारण है ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा बेनिफिशियल या सबसे ज्यादा यूज होने वाली है, मैं बोल सकता हूँ। तो एज अ रिजल्ट ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 4/3 माइनस का 3/4 x माइनस का y होल अपॉन 1 प्लस xy 3/4 इनटू 4/3 इज इक्वल टू cosec इनवर्स ऑफ x। ठीक, अब ये और ये तो कट जाएंगे, नीचे हुआ आ गए, यानी tan इनवर्स ऑफ ये कितना बन जाएगा, 16 माइनस का 9 डिवाइडेड बाय ये 12 आ गया और नीचे 2 आ गया इज इक्वल टू cosec इनवर्स ऑफ x आ गया। अब यानी tan इनवर्स ऑफ, अब 16 माइनस का 9 यानी 7 अपॉन 24 की वैल्यू cosec इनवर्स ऑफ x आ गई। अब वाया ट्राइंगल इतने पोर्शन को तो अब हम ट्राइंगल के थ्रू बात कर सकते हैं कि ये है 7 और ये है 24, तो ये कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। और इन अनदर वर्ड्स, जो cosec इनवर्स x है उसकी वैल्यू cosec इनवर्स ऑफ 25/7 आ जाएगी, विच विल इंप्लाई कि x की वैल्यू 25/7 आ गई। अब इसको वेरीफाई करेंगे तो यस ये होल्ड ट्रू करेगा, यानी ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यू गेटिंग माई पॉइंट? इज इट क्लियर टू ऑल?